अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू एंड अनदर वीडियो। तो यार अभी उठ के फ्रेश हुए हैं, मुंह धोया है, वुजू किया है, नमाज़ पढ़ ली हमने, तो बाहर चलते हैं नाश्ते करते हैं। बाकी यार अभी मैच जो है पता नहीं स्टार्ट हुआ है कि नहीं, जाते हैं और टीवी ऑन करते हैं। मुझे तो आज भी बारिश ही, अभी मैंने वेदर प्रिडिक्शन देखी थी सुबह उठ के, तो कोलम्बो वेदर जो है 100% बारिश ही शो कर रहा था। सिर्फ 2 से 3 बजे तक मेरे ख्याल से हल्की फुल्की है थी, क्लाउड था, वेदर क्लियर था। लेकिन अब देखो चलते हैं, जाके देखते हैं, बाकी बाहर चलते हैं, मम्मा को नाश्ते का कहते हैं और टीवी वहाँ पे जाके ऑन करते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन चल रही है इस टाइम मैच की। टीवी ऑन किया हमने आके तो देखा तो यार वो अभी तो कवर्स उठा रहे हैं ग्राउंड से, मेरे ख्याल से बारिश हुई हुई है। बाकी यार वेदर थोड़ा सा क्लियर ही लग रहा है हमें, इस साइड पे बादल हैं, ये वाली साइड पे देखें अभी ये कवर्स उठा रहे हैं। अब देखो 3 बजे की टाइमिंग थी, अब क्या बनता है। तो अब देखो बारिश यार, ये क्या यार, और इंडिया ही मुश्किल में जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स है। पाकिस्तान को अगर आज 1 पॉइंट मिल गया 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, इंडिया के 0 पॉइंट्स रह जाएंगे। और अगर कल दोबारा बारिश होगी इंडिया को फिर 2 पॉइंट हो जाएंगे, श्रीलंका के भी 2 पॉइंट्स है, वो जीता हुआ मैच, श्रीलंका डायरेक्ट फाइनल में चला जाएगा, इंडिया को भी मसला होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी। पहले दुआ करो इंशाल्लाह बारिश ना हो, मैच हो जाए। कवर्स हट गए हैं ग्राउंड से, बस थोड़े से रह गए हैं, ये देख लें। तो नबील साहब टेंशन में बैठे हुए हैं। हाँ जी नबील साहब, मैच होगा, बस थोड़े से रह गए, हम देखो क्या होता है। मौसम तो क्लियर हो गया यार, मैच होने लगेगा शुरू 2 मिनट 1.5 मिनट के अंदर। तो हमें इलमदीन ने भी ज्वाइन कर लिया और ये नबील साहब भी आ गए हैं। नबील साहब मोहम्मद अली के साथ सिंगल विकेट खेल रहे थे। नबील साहब आपको कुछ और नहीं मिला, सिंगल विकेट शुरू कर दिया बच्चे के साथ। और ये नबील साहब को देखे जरा, इन्हें तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आज कॉलेज नहीं गए बुखार के बहाने से। तो बस ये मैच होने लगा शुरू, जैसे शुरू होता फिर आपको दिखाते हैं। यार वो जो अबू जर यार वो चला गया, उसका पेपर था तो वो रात को निकल गया था। वो कहता है मैच होता नहीं, मैं भी आ जाता हूँ 1000 रुपया लगा के। वो अंदरून शादमन वाली साइड से आता है इस वजह से, तो ये लोग उधर से जाते हैं, लेकिन इनको मैच का शौक है, उसको मैच का शौक नहीं है, वो बस झुकते छुकते मारता है बैठ के। हाँ जी नम साहब, क्या तुरते आ जाओ, जाएगा मैच पूरा, मुझे लग रहा है मैच पूरा हो जाएगा। बोला क्यों? क्योंकि आज मैंने वो शर्ट नहीं पहनी पाकिस्तान की, उसके ऊपर शेड ही लिखा है ना, शेड ही इतना गंदा बंदा है, बना भी बहुत गंदा बंदा है, कुरान भी। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। पहली बार अभी इंडिया की है, विराट कोहली ने पैट्स किए हुए, अर्के राहुल ने पैट्स किए हुए, बस ये स्टार्ट होने लगा है, देख लें। ये देखो जी यहाँ वहाँ से स्टार्ट होने लगा है, इन्होंने 50 ओवर्स पूरे ही करने हैं पागलों ने। भाई जान शुभन गिल को की परफॉर्मर बनाया हुआ है, वाह 2 कैच छुटे हैं उसके। ओके ओके, मैच हो गया स्टार्ट, 1 ओवर हो गया है और आज हारिस रोप नहीं खेल रहा। हारिस रोप की पता नहीं मसल पुल हो गया है, कोई इंजर्ड हो गया हारिस रोप, तो हारिस रोप नहीं खेल रहा, ये बैड न्यूज है। और ये मोहम्मद अली साहब, जाओ अंदर यार, आप जाओ, कार साहब आने वाले हैं। बस इलम साहब दुआ करना बारिश ना हो, नबीर आउट हो गया। अपने रिव्यू ले लिया है यार, विराट कोहली का स्निक हुआ है, अब देखो पता नहीं थाई पैड हुआ है या बैट हुआ, लेग साइड से हुआ है, अब देखो। ओरिजिनल डिसीजन ऑन फील्ड इज नॉट आउट, आई हैव चेक द फ्रंट फुट एंड इट्स अ फेयर डिलीवरी, इफ वी कैन हैव अ लुक एट फ्रंट ऑन प्लीज। हाँ जी क्या हुआ इलम साहब? आउट इंशाल्लाह यार, ये थाई हुआ है। Okay, it looks as though it's come off the thigh guard. Can we have a look at Old Trench, please? Bahut dur hai. Okay, we've got a flat line. A lot of daylight between bat and ball. Yeah, bhi reviews aaya. Okay, that's fine. We'll go back to Chris on field to stay with his original decision of not out. Chris, I'll tell you when you're on screen. दोनों रिव्यूज आया हो गए हैं पाकिस्तान के। विराट और केएल राहुल की पार्टनरशिप लग गई है, 237 हो गया प्रोजेक्टेड, अब आना 300। इलमिन साहब कह रहे हैं 300 चेजेबल स्कोर है, नहीं होगा, नवील हो जाएगा चेज, हो जाना है, पाउंड तो हटा, कौन करेगा? पखर 150, शदाब 150। अच्छा शदाब 6वें नंबर पे आता है, 6 आउट होंगे फिर, इसका मतलब होंगे
शिदाब को स्कोर पा रहा है आज केएल राहुल तो भजन शिदाब को बच्चों की तरह मार रहा है 237 अभी अगर 12 ओवरों में वो 10 की एवरेज से खेलें 120 जी बोले पाक लाइन का छज्जादा साहब की 100 हो गई है कोहली साहब 3 की दूरी पे 100 की ठीक है ये देख लें और 319 स्कोर हो गया 47 ओवर अब 3 ओवर रह गया बस 350 से नीचे नीचे स्कोर है पहले हम दुआ करते हैं 300 से नीचे नीचे रहे अब दुआ कर रहे हैं 350 से नीचे नीचे रहे और ये इलम इनको देखे नबील साहब को देखे सबके मुंह लटके पड़े हैं इलम साहब क्या खा रहे हैं आप मिठे तो हाँ जी आपको बड़ी हंसी आ रही है भाई जान उनकी 100 की पार्टनरशिप भी हो गई है 2 विकेटें अभी तक रोहित और शुभमन वाली बस शुभमन हाँ जी कल नहीं हुई थी जो विकेटें रिजर्व डे पे दोनों ही चल गए हैं 100 वो देखो जी यार ये देखना कोहली अब अफरीदी कोहली को आउट करेगा ये इसकी 100 नहीं करने देनी हमने वो देख उसको बहुत जल्दी है विराट को वो नहीं जाएगा खामोशी हो गया क्राउड में ये सारे दुआ कर रहे हैं आउट हो जाए बाबर भी 100 मारेगा आज हाँ जी इंशाल्लाह एक रन चाहिए उसको हो गया 13,000 रन भी हो गया उसके ओडीआई में और एक स्कोर रह गया बाबर लोग कितने हैं पता नहीं यार एक स्कोर रह गया बस कोहली का एक स्कोर रह गया है 100 में शहीन आउट कर दे इंशाल्लाह कोहली आउट चौकली आउट हेलमेट को बटन दबाया है चुप हो जाओ आप हाँ जी पाकिस्तान को 357 का टारगेट मिला है 50 ओवर्स में 122 कोहली ने मारा है और 111 राहुल ने मारा है तो अब ब्रेक होने लगी है इंशाल्लाह पाकिस्तान चेज करेगा इंशाल्लाह ताला फखर इमाम इंशाल्लाह चेज करेंगे तो बाकी अभी हम जा रहे हैं यार मगरिब की नमाज़ पढ़ने फिर उसके बाद ब्रेक भी ख़त्म हो जाएगी और मैच भी स्टार्ट हो जाएगा काफ़ी अच्छी शॉट खेली यार उसने यार ये ब्रेक आई हुई है इन आप दुआ करेंगे पाकिस्तान जीत जाए यार हमारी भी दुआ है इंशाल्लाह नसर में लाइव फतुन करीब इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने 356 बनाया तो हम भी बना सकते हैं मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है होप फॉर द बेस्ट एंड नथिंग फॉर द रेस्ट ओके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा हमारी दुआ है अल्लाह ताला कामयाब करे बाबर आजम को फखर जमान को इमाम को शिदाब को आगा सलमान चाचा इफ्तिखार अहमद सब को इंशाल्लाह ताला नस्मिन लाइव फतुन करीब आमीन यार मैं नमाज पढ़ के आया हूँ तो मैच हो गया स्टार्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा वी हैव बिलीव बिकॉज पाकिस्तान टीम इज एट द बेस्ट राइट नाउ इंशाल्लाह इन ओडीआई टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन आई हैव बिलीव इन माय टीम ओके यस बाबर फखर एंड इमाम इज कमिंग इन द ग्राउंड बुमराह इज ऑल्सो कमिंग व्हाट्स योर प्रेडिक्शन शेख नबील व्हाट्स योर प्रेडिक्शन Tell me your prediction. Tell me percentage. Jasprit Bumrah. Prediction. What's your prediction? Pakistan, inshallah. Pakistan. तो जैसे first ball होती है आपको दिखाते हैं. पहली ball पे चौका. Inshallah. Pakistan. Inshallah. जीतेगा. 356 chaseable score होगा. यार first ball होने लगे. पीछे तो हो जा थोड़ा. First ball of the second innings. Oh, what a spin. What a ball.
Nabil sahab kya kehna chahenge? Teen teen slippa khayenge. Yeah, a smile on his face because you always want to start well when you come back into the side. We've seen it. Pehla ball hua hai, pehla bhi. Chalo isko band karte hain. Not just this day and. Kya masla hai? We saw it in the first game as well. So swing. Dusra ball hone laga hai ustad ji. मिलते हैं राव कुछ और क्या आ गया ये देखें जी फाइट का ही पांच आ गया जी ये और हम उमर बॉक्सर ने आज ज्वाइन कर लिया लेकिन आज लेट आए उमर बॉक्सर साहब पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स पे आए हैं चलो जी चौथी बॉल करो बुमराह साहब पांच या पांच ते आ गया जी गुड बॉल पंद्रह स्कोर है फखर साहब ने भी एक भी बॉल अपनी बैट से नहीं लगाई एक बॉल हो जो बैट से लगाई हो आठ बॉलें खेला है और जीरो स्कोर नबील साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं जीतेगा अब बोल बता कौन जीतेगा नहीं जीतेगा उमर कौन जीतेगा हाँ जी नबील बोलो इलम ममदली आप आप रहने नहीं दो आपकी मेहरबानी भाई जन तीन ओवर पंद्रह स्कोर है अठारह बॉल पर पंद्रह फखर साहब ने एक बॉल बैट से नहीं लगाई एक बॉल हो जो बैट से लगाई हो पहली विकेट हमारी गिर गए मामूल अक सब आउट हो गए हैं ठीक है जी स्लिप पे सेकंड स्लिप पे कैच हो गया ये देखें जी इजी कैच ले गया नो प्रेशर कैच इलम साहब क्या सूरत हाल हाँ बाबर आजम किंग नबील साहब क्या कहते हो चलो अब आपको बाबर की बैटिंग दिखाते हैं लाइट चली गई थी लाइट आई तो अभी टीवी ऑन किया तो माशाल्लाह से बारिश हुई है अब देखो मैच की क्या पोजीशन है हमें कोई पता नहीं मैच क्या बना है क्या नहीं हुआ एक ही आउट था इमाम वाला वो हमने देखा था बाद में लाइट चली गई अभी लाइट जैसी है या तो अभी हमने टीवी ऑन किया तो बारिश हुई है तो अभी ये कवर से हटाते हैं तो देखते हैं क्या बना है मैच का मुझे तो लग रहा है बाबर की 50 होगी तो अभी मैच कवर से हटते हैं तो मैं फिर देखते हैं क्या स्टार्ट हो गया जैसे स्टार्ट हुआ देखा जी बाबर साहब आउट हो गए हैं यार दिल नहीं कर रहा मैच देखने का बाबर आजम आउट हो गए हैं रिजवान साहब अब आए हैं तीन बोले खेली हैं बाबर आजम की विकेट दिखाते बोल्ड हुआ बाबर आजम हार्दिक पांड्या ने बॉल किया इंजिन मार के अब देखो क्या बनता है इलम साहब क्या सूरत हाल है हाँ जी बस साथ साथ देख रहे हैं यार अब मैच अब कुछ अच्छे पार्टनरशिप लगेगी तो यार हम व्लॉग बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे हार आउट हो गए पाकिस्तान के अब इफ्तिखार चाचू और सलमान अली आगा साहब खड़े हैं हम देखो क्या होता है 93 पे चार आउट हैं आपकी बददुआ लगी इलम साहब बंद कर दे गई नहीं चौका ही नहीं जा रहा चौका लग ही नहीं रहा इधर एक पार्टनरशिप चाहिए 200 तक 200 तक अगर पार्टनरशिप चली गई इंशाल्लाह जीत जाएंगे हम अब देखो क्या बनता है यार जी जय बस पाकिस्तान सुबह की जान पाकिस्तान हो गया ऑल आउट मींस हाजी ऑफ इंजर्ड है नसीम शाह इंजर्ड है तो वो दोनों आए नहीं तो इस वजह से नसीम ने नहीं आना किसी ने भी नहीं आना भाई जान इंजर्ड है पाकिस्तान अब हार गया ये देख लो जी पाकिस्तान हार गया जी क्या करें यार कोई मसला नहीं अब खैर है यार कोई बात नहीं दिल छोटा नहीं करते आगे बड़ा बहुत टूर्नामेंट आने हैं अब कोई मसला नहीं आज बैड लक था पाकिस्तान को इस वजह से तो अब टीवी बंद करते हैं अंदर चलते हैं जाके सोते हैं जो करना देखते हैं इस व्लॉग को यार इधर ही एंड करते हैं उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में यार बाकी सैड सीन हो गया लेकिन कोई मसला नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलेगा लेकिन अभी जो है ना मसला आ गया पॉइंट टेबल में पाकिस्तान आ गया तीसरे नंबर पर श्रीलंका दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान का रन रेट -1 हो गया है और श्रीलंका का जो रन रेट है +0 है तो अब देखो क्या बनता है और इंडिया तो लग रहा है हो जाएगी अब पाकिस्तान का एक मैच आ गया श्रीलंका से अगर वो जीत गया तो फिर वो श्रीलंका के दो मैच अगर श्रीलंका दोनों हार गया तो बाहर तो अब दुआ ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे फाइनल के लिए तो बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ बाय बाय